मेरा चैनल प्रिंस मॉम ब्लॉग और आज मैं बनाने जा रही हूँ गुड़ की खास्ता ठेकुआ। मैं गुड़ की ठेकुआ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि चीनी की ठेकुआ के बारे में रेसिपी डालते हैं और मैं ना इसमें कुछ यूनिकपन लाना चाहती थी, इसलिए मैंने आज इसे ना गुड़ के फॉर्म में बनाया है। और बेसिकली मुझे गुड़ का ही ज़्यादातर पसंद आता है और सर्दी में ये होता है कि गुड़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और आपके लिए गुड़ का जो ठेकुआ होता है उसमें आपको ये रहेगा, सर्दी में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। और ये ठेकुआ आप लंबे समय तक लगभग एक से दो महीने तक बना के रख सकते हैं। और आप डायरेक्ट गुड़ नहीं खा सकते हैं, इसलिए किसी फॉर्म में आप उसको बना के रख के खा सकते हैं। तो मैं इसे गुड़ को ठेकुए की फॉर्म में बना रही हूँ। ठेकुआ जो है मेरा गुड़ डाल के बनाया जाएगा। तो बने रहिए मेरी वीडियो में और देखते रहिए कि मैं किस तरह से गुड़ का ठेकुआ और बिल्कुल खास्ता आप सभी को बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधे किलो गुड़ को अच्छे से घिस लिया था और घिसने के बाद ये इस तरह से पिघल गया है, जिसको मैंने यहाँ पर एक थाली में निकाल के रख लिया है। दूसरा तरीका यह है कि आप इसको किसी बर्तन में डालकर इसको पिघला सकते हैं। यहाँ मैंने दूसरी तरफ आटा निकाल के रखा हुआ था और यहाँ मैंने एक किलो के लगभग आटा लिया है और थोड़े से नारियल लिया है। इसके बाद मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ बनाना। तो आपको मैं सभी सामान दिखा देती हूँ। यहाँ मुझे घी का इस्तेमाल होगा, तो घी मैंने ले रखा है और सौंफ और थोड़े से तिल भी मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें इस्तेमाल होनी है। यहाँ पर मैं आटे में घी डाल देती हूँ। अब हम इसका मोइंड तैयार करेंगे और इसको तैयार करने के लिए अब हम इसको थोड़ा थोड़ा आटा मिलाकर इसको हल्के हाथों से इसको मस लेंगे। यहाँ पर हमें हल्के हाथ से इसको मसलना है और यहाँ मैंने देख सकते हैं सब घी को आटे में अच्छे से मसल दिया है। और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको दो बर्तनों में निकाल लेती हूँ क्योंकि अब हम इसमें गुड़ को ऐड करेंगे। के बाद हम इसमें सौंफ को अच्छे से मिला देते हैं और यहाँ मैंने पहले थाली में डाल दिया था, उसके बाद इस वाले परात में भी मैं सौंफ को डाल देती हूँ। के बाद हम इसमें तिल मिला रहे हैं और यहाँ मैंने तिल दिखा देती हूँ, मैंने इतना तिल लिया है। इसको दोनों बर्तनों में मैं डाल देती हूँ। बाद हम इसमें कटे हुए नारियल को डाल देते हैं। नारियल जो है ना अपना पतला कटा हुआ होना चाहिए स्लाइस में, और मोटा हो रहेगा ना तो वो बांधने में ना बनेगा नहीं, इसलिए पतला ही रखें। यहाँ पर हमने गुड़ ले लिया था और गुड़ में थोड़ा सा गर्म पानी डालकर इसको लिक्विड फॉर्म में बना लेते हैं। और यहाँ मैं इसको बाद हम इसमें इसको आटे में डाल देंगे और चलाते भी रहेंगे ताकि ये जमे नहीं। यहाँ मैंने एक उसमें डाल दिया था और इसको दोनों हाथ से मिला रही हूँ। इसके बाद मैं दूसरे बर्तन में भी इसको डालकर इसको अच्छे से मिला लूँगी। पर हम आटे को गुड़ में अच्छे से मिक्स कर रहे हैं और इसको मैं धीमे धीमे अच्छे से मिला रही हूँ और ये हमारा एकदम आटा ऐसा होना चाहिए कि मुट्ठी में बांधे तो बंध जाए, इस तरह से हमें आटा को गूंथना है। मैं आप सभी को दिखा देती हूँ कि आपको किस तरह आटे को बांधना है। तो इस तरह से आपको आटा बांध के रख लेना है। इसके बाद इसको आप जो मर्जी शेप में इसको दे सकते हैं।
यहाँ पर मैं इसको लड्डू की शेप में अभी बना रही हूँ और इसको अलग बर्तन में रख दे रही हूँ। यहाँ पे हमने इस तरह का साँचा लिया है, इसमें हम थोड़े से तिल डाल देते हैं और जो हमने इसको गोल बना रखा था इसको इसके बीच में रख के दूसरे जैसे उसको ऐसे दबा देना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा ये आपको बनेगा और इसको इस तरह से ये बन के आएगा। पर हमने थाली में इसको रख लिया है तो आप देख सकते हैं, और इसके बाद मैं आपको एक और करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। और यहाँ पर हमारा ठेकुआ बनकर रेडी हो चुका है, अब हम इसको तलने के लिए डालेंगे। तो आपको कैसा लग रहा है, आप साँचे की मदद से बना सकते हैं और हाथ से भी उसको दबा के बना सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है, अब मैं इसमें के बाद हम इसमें रिफाइंड डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने लगभग आधा कढ़ाई से थोड़ा सा कम रिफाइंड डाला है। यहाँ हम तेल गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। हमारे ठेकुए भी बनने के लिए रेडी हो चुके हैं और कढ़ाई भी हमारी गर्म हो चुकी है, अब हम ठेकुआ तलना शुरू करेंगे। मैं सभी ठेकुओं को तलने के लिए कढ़ाई में डाल रही हूँ और आपको ध्यान रखना है कि इसको एक एक करके कढ़ाई में डालना है। यहाँ पर हमारा ठेकुआ एक तरफ से पक चुका है, अब हम इसको दूसरी तरफ पलटेंगे और दूसरी तरफ पलटकर इसको अच्छे से सिझाएंगे। और यहाँ ना हमें मध्यम आंच में इसको डीप फ्राई कर रही हूँ। हाँ, मैं सभी ठेकुए को पलट रही हूँ क्योंकि एक तरफ पक चुका है, तो इस तरह से इसको पलट लेना है। इस बात का ध्यान रखें कि ये बिल्कुल भी तेज़ आंच में इसको पकाना नहीं है, क्योंकि तेज़ आंच में इसके जलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसको मध्यम आंच में ही इसको डीप फ्राई अच्छे से कर लेना है। जहाँ आप सभी को दिख रहा होगा कि मेरा जो ठेकुआ है अच्छे से पक चुका है और इसमें आपको जो ब्राउन जो है अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसको दूसरी जगह निकाल लेती हूँ, और यहाँ मैंने पहले से निकाल रखे थे तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से ठेकुए हमारे तल के निकलेंगे। कैसा लग रहा है आपको ठेकुआ? और ये ना सर्दियों के दिनों में ना बहुत अच्छा रहता है खाने में, और इसको आप ओवन में गर्म भी कर सकते हैं, ओवन में इसको पका भी सकते हैं, और आप इसमें गुड़ की मात्रा होती है तो सर्दियों के लिए बहुत अच्छा आइटम है। तो अभी मैं ना एक ठेकुआ आप सभी को टेस्ट करके बता रही हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कितना खासा बना है। बेसिकली ठेकुआ इतना खास्ता है कि जिसके दांत भी नहीं होंगे ना वो भी आराम से खा लेगा। और ये दांत में ऐसे मुंह में जाके ऐसे घुस जा रहा है कि पता नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। आप भी घर में बनाइए और घर में ट्राई करिए, इस तरह से आप गुड़ का ठेकुआ बना सकते हैं। और बताइएगा कि कैसा बना, मेरे कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ शेयर करिएगा कि आपने जो मेरे आइडिया से जो ठेकुआ बनाया है वो आप सभी को कैसा लगा। आप घर में ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब। खाओ खाओ।